ये गड्ढा अभी खोद रहा था, ये देखिए हाथ का हाल मिट्टी से, ये देखिए पसीने से पूरा गीला हूँ मैं। इतना छोटा गड्ढा करने में मुझे करीब आधा घंटा से ऊपर लग गया, इसलिए मिट्टी काली वाली है और इतना सख्त है कि काटते नहीं कटती। अब जाकर थोड़ा जब इसमें पानी डाला हूँ, पानी डालने के बावजूद मिट्टी कट नहीं रही थी, पानी ऊपर में ही था। बहुत हार्ड मिट्टी है इसमें, बहुत मुझे मेहनत लग रहा है, फिर भी एक बागीचा बनाने की जुनून है और मैं कोई लेबर नहीं रखने वाला, मैं खुद सारा काम करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर लेबर मैंने रख लिया तो फिर जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, लोग जिम में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो फिर मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए ये सारे पेड़ पौधे हमने खुद ही लगाए हैं। अभी 10-20 तरह के और पौधे इसमें मैं लगाऊंगा, वो भी मैं खुद ही लगाऊंगा। ये देखिए ये गड्ढा किया है, अभी एक गड्ढा और करना है, इससे भी बड़ा गड्ढा अभी करना है, अभी इसको भी और करना है। तभी तो हमने फावड़े से किया है, अब फावड़ा इसमें सही से चल नहीं पाएगा तो हम छोटे छोटे टूल्स की मदद से इसकी खुदाई करेंगे। और ये हमको बड़ा इसलिए भी बनाना पड़ रहा है कि हमने पहले ही बताया था मिट्टी हार्ड है, हमारे पौधे के जड़ को गमलों में ही फैलने की आदत है। तो ये हमारे बच्चे हैं जो कि बड़े ही लाल लाड़ और प्यार से पले बढ़े हैं, तो इनको इस मिट्टी में सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ होगा, इस वजह से इतनी चौड़ी चौड़े गड्ढे कर इसमें मैं डाल रहा हूँ। मित्रों पौधे लग चुके हैं, ये देखिए ये अनार का पौधा है, झाड़ है, पेड़ है जो कह लें, ये चीकू का है और साथ ही साथ ये एक फूल का है जो अभी हमने लगाया है, हर श्रृंगार का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लगाया है। इसके पास मोरिंगा सहजन का है, फिर अशोक का है, और मेरी प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में मैं एक दो अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो कि आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे आश्चर्य करेंगे इसलिए कि मैं वैसा ही फ्रूट का पेड़ यहाँ पर पौधा लगाने वाला हूँ जिसको कि शायद आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ वो कैसे लग सकता है। तो चलिए फिलहाल वो सरप्राइज ही रहने दीजिए, अभी देख लीजिए थोड़ा बहुत जो रिसेंट का व्यू है वो इस तरह से है हमारा। अब आगे का जो व्यू होगा वो और अलग होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में हमने किचन गार्डनिंग भी की है, सब्जियां भी लगाई हैं। और वो सब्जी अभी देखिए रिज गार्ड एक होता है, झिंगली जिसे कहते हैं, वो है वहाँ, देखें झिंगा शायद इसे ही रिज गार्ड बोलते हैं, पता नहीं जो भी है। ये झिंगा का दो लता है हमारे पास, एक हमने वो पेठा वाले कद्दू लगाए हैं उस साइड, और इधर भी झिंगली हैं, और भी कई सारे पेड़ पौधे मैं इसमें लगाऊंगा। अभी देखिए धीरे धीरे ये जो बालू था कंस्ट्रक्शन का, वो हमारे पड़ोसी का घर बन रहा है, वहाँ देखिए वो उनका था, अब धीरे धीरे सारा बालू हट चुका है और बस थोड़ा सा बालू बचा है, वो हमारा बालू ही है, उससे ये गार्डन में ही कुछ कंस्ट्रक्शन चलेगा। गार्डन का ही रेनोवेशन मॉडलिंग मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए ये मंगा कर रखा हुआ हूँ मैं, बच चुका है, थोड़ा ईंटें हैं तो इन ईंटों का भी प्रयोग मैं मॉडिफिकेशन में ही करने वाला हूँ। तो ये सारा सेटअप होने वाला है, फिलहाल ये जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आप देख रहे हैं ये सभी अब धीरे धीरे हटने वाले हैं। ये हटेंगे, हटने के साथ ही पूरे इस महीने के अंत तक आप इस गार्डन को 75% डन पाएंगे।